दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी संजय और अर्पिता की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। ऐसा लग रहा था कि संजय उसकी आत्मा में झांक रहा था। अर्पिता इतना घबरा गई कि वो तो सांस ही नहीं ले पा रही थी। जैसे जैसे संजय उसकी तरफ बढ़ रहा था, पता नहीं क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल निकल कर उसके गले में से बाहर आ जाएगा। वो सीधा चलता चला गया और उसके सामने जाकर रुक गया। वो उसे घूर रहा था। उसे इस तरह से देखकर अर्पिता असमंजस में थी। उसने अपना मुंह खोला और उससे पूछा, मिस्टर संजय, क्या आप मेरी सीट लेना चाहते हैं? वो ऐसा कहती हुई एक तरफ खिसक गई। आगे की सीटें पहले ही भर चुकी थी, सिर्फ पीछे की सीटें ही खाली थी। अर्पिता और जिगर दोनों ही बाद में आए थे और इसीलिए वो दोनों वहां बैठे थे। हर कोई यही सोच रहा था कि संजय अर्पिता के साथ वाली सीट पर बैठ जाएगा। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो अर्पिता के सामने जाकर रुक जाएगा। ऐसा लगता था वो सच में अर्पिता की ही सीट लेना चाहता था। मुझे मिस्टर जिगर सेठी से कुछ बातें करनी है, उसने बड़े सहज ढंग से सबके तरफ देखते हुए कहा। हर कोई ये सुनकर शांत हो गया। सबको यही लगा कि वो दोनों कोई ऑफिस के काम की जरूरी बात करने वाले थे, इसीलिए शायद वो उसी बस पर चढ़ा था और अर्पिता की सीट पर ही बैठना चाहता था। अर्पिता ने भी बिना कोई शक किए उसकी बात पर विश्वास कर लिया और अपनी सीट संजय को देते हुए एक तरफ खिसक गई। और इस तरह संजय इन दोनों के बीच में बैठने में कामयाब हो गया जो कि पहले एक साथ बैठे थे। अर्पिता के साथ बात करने के लिए इतनी मेहनत से मिले मौके को जाते हुए 3 मिनट से भी कम लगे। ये जिगर सेठी के लिए बहुत ही निराशाजनक था। हालांकि वो कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि संजय उसके साथ ऑफिशियल बात करना चाहता था। पूरे रास्ते जिगर सेठी इंतजार करता रहा कि कब संजय उससे ऑफिशियल मैटर डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ देर बाद ये साफ था कि संजय का उसे बात करने का कोई इरादा नहीं था। जब जिगर सेठी ने देखा कि वो लोग डिनर पार्टी की जगह पहुंचने ही वाले हैं, उससे रुका ही नहीं गया और उसने पूछ लिया, मिस्टर संजय, क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, संजय ने उसे अपनी आंख के कोनों से देखा और पतले होठों को धीरे से खोलते हुए बोला, ओह, मेरे दिमाग से तो निकल ही गया। जैसे ही मुझे याद आएगा मैं उस बारे में आपसे जरूर बात करूंगा। जिगर उसकी बात सुनकर हैरान था। बस रुक गई। सब लोग बस से उतरकर अंदर जाकर खड़े हो गए। वो डिनर पार्टी एक सुंदर हॉल में रखी गई थी और वहाँ लाजवाब खाना था। जिगर सेठी ने पूरा हॉल बुक किया हुआ था और वो बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया था। उसने सच में इस डिनर पार्टी के लिए काफी मेहनत की थी। मैंने स्पेशल रेड वाइन और शैंपेन ऑर्डर की है, आप सब जी भर कर आनंद उठाइए। जिगर सेठी ने सभी एम्प्लॉयज का जोर से स्वागत किया। अपनी बात कह रहे उसने हाथ में 2 रेड वाइन के ग्लास उठाए और अर्पिता की तरफ जाने लगा। सुपरवाइजर अर्पिता, ये इम्पोर्टेड रेड वाइन है, इसका फ्लेवर काफी अच्छा है, आप ट्राई कीजिए। जरूर, थैंक यू। रेड वाइन का नाम सुनते ही अर्पिता की आंखें चमक उठी। जैसे ही वो आगे बढ़कर वाइन का ग्लास उठाने लगी, एक बड़े से हाथ ने उसे आकर रोक दिया। उसने उसके हाथ से रेड वाइन का ग्लास ले लिया और धीरे से उसे टेस्ट करने लगा। सो, कुछ खास नहीं है। उसने वाइन बिना खत्म किए ही ग्लास वापस अर्पिता के हाथ में रख दिया। अर्पिता ने संजय का रेड वाइन पिया हुआ ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ था। वो उसे पी ही नहीं पाई और अब वो उसे पी भी नहीं सकती थी। वो बस उसे आंखें फाड़ कर देख सकती थी। अगले ही पल संजय उसकी तरफ थोड़ा सा झुका और उसके कान के पास जाकर हर शब्द के बाद रुकते हुए बोला, तुम जितनी मर्जी चाहो शराब पी सकती हो, लेकिन अगर थोड़ी ज्यादा हो गई और तुमने मुझे गले लगाते हुए फिर से मेरे कपड़े उतारने को कहा तो मैं तुम्हारा सर इसी रेड वाइन के ग्लास में डुबो दूंगा। अर्पिता ये सुनकर सन्न रह गई। उसके दिमाग में वही तस्वीरें घूमने लगी जब वो शराब पीकर अगले दिन उसकी बाहों में जागी थी। उसका दिल गुस्से से भर गया। उस रात की बात याद करके अर्पिता का शरीर कांप उठा। उसने वाइन का ग्लास वापस जिगर सेठी के हाथ में दे दिया। आजकल मुझे कुछ एलर्जी हो गई है, इसीलिए मैं अल्कोहल नहीं ले सकती, मैं जाकर कोई फ्रूट जूस लेती हूँ। अर्पिता वहां से मुड़कर आगे चली गई।
जिगर सीटी हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़े हैरान खड़ा था। संजय ने मुस्कुराते हुए एक रेड वाइन का ग्लास वहाँ से जाते हुए वेटर से लिया और उसे मजे से पीने लगा। पूरा समय उसकी नजर अर्पिता पर ही थी। उसने देखा कि वो खाने के पूरे हॉल में इधर उधर भाग रही थी और उसने अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना भरा हुआ था। उसके हाथ में एक फ्रूट जूस का ग्लास था। वो एक शांत जगह देखकर तसल्ली से खाना खाने बैठ गई। वो जन्म जन्म के भूखों की तरह अपने छोटे से मुंह में जल्दी जल्दी खाना भरते हुए खाती जा रही थी। खाते खाते वो कभी कभी अनन्या की तरह दिखती थी। अर्पिता ने बहुत सारा खाना खाया। ऐसा लगता था कि उसने बिना किसी के दखल दिए आराम से मन भरकर और पेट भरकर भी खाने का आनंद लिया था। उसने पूरा खाना खाने के बाद खूब सारी मिठाई भी खाई थी और उसने सिर्फ एक छोटा सा घूंट रेड वाइन का पिया था, वो भी तब जब उसके कलीग्स हाथ में ग्लास लेकर उसके पास आ गए थे। उसके बाद वो चुपचाप संजय का कहना मानकर एक कोने में फ्रूट जूस के साथ खाना खाने बैठ गई। जिगर सेठी उसे कई बार इधर से उधर ढूंढ रहा था पर हर बार कोई ना कोई उसे बीच में आकर रोक लेता था, क्योंकि वो टाटा टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। हर कोई उससे बात करना चाहता था और उसके साथ वाइन पीना चाहता था। इसी वजह से उसे थोड़ा नशा भी हो गया था। जब तक संजय वहां था, हर किसी की नजरें उस पर टिकी थी। हालांकि हर कोई उससे मिलना चाहता था, पर उसके शाही अंदाज को देखकर किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि उसके पास जा सके। हर कोई उसे दूर से ही निहार रहा था। संजय अकेला ही एक खिड़की के पास खड़े होकर अपनी रेड वाइन एंजॉय कर रहा था। उसके आसपास काफी एम्प्लॉयज थे जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उनमें से हर कोई उसके साथ वाइन पीना चाहता था, पर किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। तभी गीतांजलि भीड़ की नजरें अपने ऊपर डलवाती हुई धीरे से संजय की तरफ पड़ी। उसने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा, मिस्टर संजय, क्या मैं आपके साथ एक ड्रिंक पी सकती हूँ? तभी संजय ने देखा कि अर्पिता ने एक रेड वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था और वो उसे छुप कर पीने के लिए कोई कोना ढूंढ रही थी। इससे पहले कि वो उसे ठीक से देख पाता, उसके सामने कोई खड़ा हो गया। इससे वो बहुत ही नाराज हो गया। उन्हीं नाराज नजरों से उसने गीतांजलि की तरफ देखा। वो अपना रेड वाइन का ग्लास उठाकर गीतांजलि की तरफ आगे बढ़ा और एक ही सांस में उसने सारा ग्लास अपने मुंह में उड़ेल लिया। इससे पहले गीतांजलि कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल पाती, वो बोला, क्या तुम्हें मुझसे कुछ और काम है? गीतांजलि के चेहरे की मुस्कुराहट जैसे जम गई। हालांकि उसे काफी शर्मिंदगी हुई, पर वो फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, मिस्टर संजय की अल्कोहल की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है। उसने कहते कहते अपनी रेड वाइन का ग्लास खाली कर दिया। जब गीतांजलि ने देखा कि संजय ने उसे वहां से भगाया नहीं, उसने हाथ उठाकर वेटर को इशारा किया और उनके ग्लास दोबारा भरने को कहा। फिर वो संजय से बोली, मिस्टर संजय, आपने कहा था कि जिन एम्प्लॉइज ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया है, आप उनका हौसला बढ़ाएंगे तो आप हम सबके साथ एक ड्रिंक क्यों नहीं पीते? ये शब्द हर किसी के कानों में बिल्कुल साफ सुनाई दिए। हर कोई ये सुनकर बहुत एक्साइटेड था। यहाँ तक कि टाटा टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉइज भी वहाँ भीड़ में आकर खड़े हो गए। मिस्टर संजय, हम सब आपके साथ ड्रिंक लेना चाहते हैं। मिस्टर संजय हमारे हैं, उन्हें हमसे छीनने की हिम्मत मत करिए। दोनों कंपनीज के एम्प्लॉइज आपस में मजाक करने लगे और पार्टी का माहौल काफी खुशनुमा हो गया। हालांकि संजय की आंखें अभी भी अर्पिता को ढूंढ रही थी। उसकी नजरें और गहरी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वो कहीं गुम हो गई थी। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। आखिर अर्पिता कहाँ गायब हो गई? क्या वो जिगर सेठी के साथ रेड वाइन पी रही थी? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।